हाँ, मेन मेन टॉपिक मैंने आपको बताया था। उसको नहीं किया तो नोट्स पढ़ लेना बस। अब वो 14-15 लेक्चर अगर टाइम नहीं हो तो नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद कल मैंने प्रैक्टिस सेशन कराया मैराथन ऐप पे, 3 घंटे का कॉलिंग का, ठीक है? तो आप उसे पढ़ लेना, ओके? उसे अच्छे से सॉल्व कर लेना सभी क्वेश्चन को, ओके? ऑप्टिक से 5 पार्ट में बांट लो। एक तो आप मिरर में बांट लो, मिरर के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसके जितने भी रिफ्लेक्शन के जितने भी फिनोमिना होते हैं, जैसे TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, आपके डिस्पर्सन हो गया, ये सब पढ़ लो। फिर लेंस पढ़ना है, ह्यूमन आई पढ़ना है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ये 5 पार्ट में पूरा ऑप्टिक्स बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स जो NDA में आता है। अब इस 5 पार्ट में समझ जाना कि 5 क्वेश्चन आएगा पांचों पार्ट से। तो आप इस तरीके से तैयार करो, जैसे मिरर पूरा अच्छे से तैयार कर लो, फिर आपने रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, रिफ्लेक्शन छोटा सा पार्ट है, फिर यहाँ से आप रिफ्लेक्शन तैयार कर लिया, उसके फिनोमिना तैयार कर लिए, प्रिज्म वगैरह देख लिया वहाँ से, रिफ्लेक्शन में ही वहाँ से, फिर ऐसे कर देना 5 पार्ट में। डर क्यों लग रहा है? वहाँ पे कोई पीटने के लिए तुम्हें नहीं खड़ा है, वहाँ पे क्वेश्चन पड़ा है, जितना पढ़े रहोगे आराम से उतना कर ले जाओगे। जितना अभी मेहनत करोगे ना, उसी मेहनत का वहां पर क्या करना है कि शो करना है कि हमने कितना किया है, वो बताएगा पेपर। तो सब नहीं आता है तो क्लास लेना होता है ना उसके लिए। ये स्टैटिक कर लो, करेंट अफेयर जरूर, करेंट अफेयर करना, 5 ईयर प्लान पढ़ लेना। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज जितनी भी मिलिट्री हुई हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे मैं एक करंट अफेयर की भी मैराथन लगवा रहा हूँ तो उसको ले लेना। और हाँ, मेरी भी मैराथन आ ही रही है। हाँ, मेरा 12 घंटे की आ रही है 7 नवंबर को, और 31 को मैथ्स की आ रही है ताहिर सर की। लगभग खत्म है और आपका मैराथन में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? दबा के होगा, दबा के जानते हो, मतलब शानदार, ठीक है? बस तुम जित मेहनत कर लेना, इस बार रिजल्ट देना है। चलिए, धन्यवाद।